नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फल सब्जियों का फलों का क्या बाजार चला। सबसे पहले बात करेंगे नारियल पानी की। चलिए जानते हैं आज का नारियल का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी चली। जगदीश छोटू भाई साहब के पास, नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, कैसी रिपोर्टें चल रही जी नारियल पानी की, कितनी गाड़ियाँ आ रही लगभग? सर आज की गाड़ी है मंडी की 40। और रोज कल शनिवार को कैसा बाजार, गाड़ियाँ आज कम है या कल ज्यादा? शनिवार को मार्केट सही थी। अच्छा जी, शनिवार को भी ऐसी 40-42 गाड़ियाँ थी। अच्छा जी, आज 40 गाड़ी है। अच्छा जी, अच्छा, बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री मार्केट थोड़ी सी डाउन है, बरसात हो गई। बरसात अच्छा के चक्कर में डाउन है मार्केट। तो आज के बाजार कहाँ से कहाँ तक के चल रहे हैं? सर ये जो माल है, जो बी कोटा का माल है, हाँ जी, इसका 40-42 रुपए पन्नियाँ चल रही है। 40-42 रुपए पन्नी जी। हाँ जी। अच्छा जी, और जो बढ़िया क्वालिटी का माल है वो 48 रुपए चल रहा है। बढ़िया क्वालिटी 48 रुपए, 480 रुपए की पन्नियाँ चल रही है। अच्छा जी। हाँ जी, और जो परचून कर छांट कर माल है, छांट का परचून का बढ़िया माल 55 रुपए का, छांट का परचून का माल बढ़िया 55 रुपए। और जैसे नीचे पड़े दो नंबर के माल जी, दो नंबर का है 18 से 20 रुपए। 18 से 20 रुपए। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? दुकान नंबर C619 आजादपुर मंडी। मोबाइल नंबर हमारा है 99-99-623-724। गाड़ियाँ क्लियर हो जाएंगी सारी? क्लियर नहीं हो पाएगी आज, भी नहीं होगी। चलिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जानते हैं 16 नंबर सेट में आज का मौसमी का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, कैसी बिक्री चली, गाड़ियाँ कितनी आई। चलिए जानते हैं दीपक गोगे एंड कंपनी से। बहू जी अभी अभी कह रहे जस्ट एक मिनट पहले अभी माल बेच के निमटे जी, गाड़ी इनकी बिक चुकी है, खाली हो गई, अभी गए जी वो। लो जी कॉल में पूछ रहे हैं क्या रेट चल रहा है। बहू जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। बहू जी, बहू जी एक मिनट का है फिर रह गए, एक मिनट लेट हो जाएगी। आधे मिनट का फिर रह गए। तो कैसे बाजार चल रहे जी? बाजार चल रहे दो दिन में दे जाए जी, शनिवार से। अच्छा जी, गाड़ियाँ कितनी आ रही जी मौसमी की? वैसे 100 गाड़ी है जी। 18-15 खुल गई है। और अपने पास ये जो मेन फट पे है कितनी, ये कहाँ की है जी गाड़ी? ये नंदापुर की है जी। अच्छा जी, आज के रेट बोल दो जी। रेट जो 4 नंबर है वो 24 रुपए है, 3 नंबर है 36-37 रुपए है। अच्छा जी, और मीडियम जी? मीडियम 2 नंबर है जी, 42-45 के करीब। और 1 नंबर जी? 1 नंबर 50 रुपए। अच्छा जी, तो दो तीन दिन से बाजार ठीक है जी? नहीं, बाजार आज ठीक हुआ है, शनिवार को 100 रुपए प्लस हुआ था। अच्छा जी। हाँ, और आज दो तीन रुपए और प्लस हुआ है। अच्छा जी, अच्छा, शुक्रवार से और आज में कम से कम 5-6 रुपए प्लस है। यानी शुक्रवार जिस दिन वो बरसात आई थी तब से लेकर अच्छा और आज तक 5 रुपए तेज हो लिया जी। 5-6 रुपए। अच्छा जी, माल सारा बिक लिया। अपने पास क्या गाड़ी है जी आज? अपने पास 2 गाड़ी है जी। अच्छा जी, अच्छा, दोनों बिक ली जी। दूसरी कहाँ की है वो? कहाँ की है जी दूसरी? वो भी अनंतापुर की है बाबू जी। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए जी। शुक्रिया, राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है इनका। 12 महीने मौसमी का ही काम है जी, सीजन में सफेद दाम भी आता है, बाकी मौसमी 12 महीने। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के तरबूज के क्या बाजार चले, आज के क्या क्या रेट हैं जी, बिक्री क्या चीज, गाड़ियाँ कितनी हैं। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भैया, क्या भाई साहब जी कैसी रिपोर्ट है जी, तरबूज की गाड़ियाँ कितनी हो रही टोटल मंडी में जी? रिपोर्ट सही है जी। अच्छा, गाड़ियाँ होंगी तकरीबन 60-70। 60-70 जी, यहाँ पर बाकी 17 नंबर में। अब जो 12-13 नंबर वहाँ बंद हो गई, 17 नंबर में जा लिया जी। अच्छा जी, अच्छा, बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री सही है जी, बिक रहा है। तो आज के क्या रेट है जी तरबूज के? डब्बों में बिक रहे जी 18 से 20 रुपए। डब्बों में 18 से 20 रुपए जी। हाँ जी। और माल ज्यादातर कहाँ गया जी इस समय? माल ज्यादातर तो अभी लोकल बेल्ट ही आ रही है, अम्बेटा वगैरह जी। हाँ, बाहर की कोई गाड़ी आने लगी जी? बाहर की है, 1-2 गाड़ी है। अच्छा जी, बाहर की 1-2 गाड़ी है, बट उनको अभी रेट वारा नहीं खा रहा। तो जो बाहर के माल है जी बढ़िया वाले, उनके क्या रेट है जी? बढ़िया माल टॉप 20 रुपए बिक रहा है डब्बों में, टॉप माल 20 रुपए बढ़िया, बाकी 18-20 रुपए लगा लो जी। 18 से 20 रुपए की बाजार चल रहा है जी डब्बों के अंदर, ठीक है जी। और इसके अलावा खरबूज जा रहा है जी अपने पास? हाँ, बॉबी आया हुआ है जी। हाँ जी, बॉबी खरबूज बिक रहा है। यही बॉबी खरबूज जी? हाँ जी, बॉबी है जी। अच्छा जी, क्या बाजार चल रहा है जी इसका? 350 से 380 रुपए। 350 से 380 रुपए का डब्बा जी है। हाँ जी, और वजन इसमें कितना है जी? 10 किलो। 10 किलो जी, ठीक है जी, ये सारा बॉबी खरबूज जी। बॉबी, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर क्या जी अपना? 7982633173। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
चलिए दोस्तों जानते हैं 13 नंबर सेड में, जो 13 नंबर सेड है यहाँ पर जो हिमाचल के फ्रूट आते हैं अभी क्या क्या माल आ रहे, क्या क्या रेट चल रहे, कौन कौन सी वरायटी है, चलिए जानते हैं ललित भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्ते भैया, राम राम जी। राम राम जी। ललित भाई साहब जी, क्या क्या वरायटी है अभी, क्या क्या माल है जी, बिक्री कैसी चल रही जी, और क्या सब वरायटियों के नाम बता दो जी। भैया चेरी आज एंड हो गई है मेरी शिमला की जी। अच्छा जी। हाँ जी, आज लास्ट थे जी, आज मेरे पास लास्ट थी चेरी। अच्छा जी, तो चेरी के कहाँ से कहाँ तक बाजार चल रहे? कश्मीर है भैया। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भैया। तो चेरी हिमाचल, चेरी कमी थी भैया, 40-50 ही डब्बे थे। अभी दुकानों पे आएंगे का आपके पास खत्म हुई? नहीं, मेरे पास खत्म है, अब खत्म ही हो गई भैया चेरी। अच्छा जी। अब चेरी भी खत्म होगी, हमारा शक्कर पारे का सीजन भी अब एंडिंग पे है। अच्छा जी, दो तीन दिन का रह गया भैया बस। अब क्या चलेगा जी? अब मोटी डंडी आ गई है भैया थोड़ी थोड़ी सी जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये वाले ब्लैक एम्बर वगैरह जी है? ब्लैक एम्बर चलेंगे, पलम वगैरह भी चल रहे, पलम का बाजार डाउन है भैया। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी भैया। ये क्या चीज है? ये पलम है, सेंटर रोजा भैया। अच्छा जी, अच्छा। इसका बाजार है भैया 70 रुपए से लेके 150 रुपए तक 2 किलो का। 70 रुपए से 150 रुपए तक 2 किलो का जी। इसमें जो मोटे साइज आते हैं वो बिक जाते हैं 150-160 रुपए के भैया। अच्छा जी। हाँ, बाकी छोटे मालों की कोई डिमांड नहीं है भैया। अच्छा जी, अच्छा। शक्कर पारे के क्या रेट? ये शक्कर पारा भैया जो अच्छे शक्कर पारे है 100+ है। अच्छा जी। 100, 120, 130, ये तो हल्के हैं भैया। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। और जो बढ़िया वाले का रेट क्या रहता है? 100, 110, 120। 700 ग्राम वजन इसमें? 700 ग्राम वजन है भैया। अच्छा जी, अच्छा। अब वो वाली चीज भी नहीं आ रही, पीछे तक तो हम 140 तक भेज रहे थे, 150 तक। ये सेब नया आ गया आज? हाँ जी, नया सेब है, टाइट में रही है। हाँ जी भैया। अच्छा जी, इसका क्या बाजार चल रहा जी? अभी कोई डिमांड नहीं है, अभी एक एक दो दो नग आ रहे हैं भैया। फिर भी ये 400-500-600 रुपए बिकेंगे भैया। अभी तो पिछले वाला का रेट भी ना चलेगा, अभी ये भी पड़ा, कश्मीर लाइन लगी पड़ी है भैया। अच्छा जी। आज आप देखो आड़ू राजगढ़ की सारी गाड़ियां बंद खड़ी हुई है, 8 गाड़ी आई है भैया राजगढ़ की, आड़ू की 8 गाड़ियां आई है सारी, सारा कश्मीर उतरा हुआ, जगह नहीं है हमारे पास। और राजगढ़ के आड़ू के क्या बाजार चल रहे? आड़ू का आज बताता रहो, एक भी गाड़ी नहीं खुली है, परसों तक माल बेचे थे हमने, 700-800 रुपए तक बिक्रियां दी है। वजन? वजन 10 किलो भैया। अब वो सारा कल खुलेगा, बाजार आ जाएगा 400-500-600। फिर यार इनका क्या कसूर है भाई? फिर किसानों का कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भैया आज। नहीं फिर इसके क्या मतलब है, उनके भरपाई कौन करेगा? उनकी कोई गलती नहीं है भैया। हाँ, कोई गलती नहीं है उनकी। आज माल भी ज्यादा था, लोगों को डिमांड भी थी, अब बैठे हुए 12-12:30 बजे खुलनी शुरू होंगी भैया गाड़ियां, देखते हैं अब क्या बनेगा, पर नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है भैया। ये तो यार गलत बात है ना जी, किसी ने किसान ने माल भेजा जी, वो तो आप अपनी एपीएमसी देखो, देखो भैया। अब एक्चुअली पता है क्या है, बात आपकी सारी सच्ची है, अराइवल ज्यादा हर चीज का, किसी भी चीज का फालतू में। अब सेब 12 महीने का सेब हो गया भैया, अब आप देखो सेब ही सेब उतरा हुआ, और आप सामने देखो सेब ही सेब लगा हुआ है भैया सारा जी। ठीक है जी, वह उसकी वजह से बाजार डाउन है भैया। ये बंद कर दे कमलेश। तो बढ़िया आड़ू के क्या रेट चल रही है? बढ़िया आड़ू भैया परसों तक बेचा है, मतलब आज से छुट्टी है, परसों तक 900 रुपए तक बेचे है भैया। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज अभी बंद खड़ी सारी? अब बंद खड़ी, अब जो रुख निकलेगा। एक्चुअली आड़ू की पोजीशन क्या है ना भैया, लोग सुबह सुबह भी लेने वाले हैं। अच्छा जी। जो ट्रेनों में माल भेजते हैं, कलकत्ता गाड़ी नहीं लग रही, कलकत्ता वाले ट्रेनों में सुबह सुबह माल भेज देते हैं, राजधानी में किसी में भी, जो व्हाटएवर जो भी मतलब उनकी। ठीक है जी। बॉम्बे महाराष्ट्र, बॉम्बे लग रही है महाराष्ट्र में, और कई गाड़ी लग नहीं रही, पुनः भेजना किसी ने, सब ट्रेनों से माल जाता है, वो ट्रेन वाले माल लेंगे नहीं इस समय भैया, क्योंकि वो तो 10-11 बजे डिस्पैच करते हैं, 12-1 बजे निकल के अगले दिन की मंडी हो जाए भैया। ठीक है जी। हाँ, वो बाजार उसीलिए डाउन है भैया। पलम का भी बाजार डाउन है भैया, अच्छा खासा पलम का डाउन है कुल्लू की वजह से भैया। कुल्लू का बहुत आ रहा जी है, 50-100 रुपए किलो चल रहा है, बहुत डाउन है भैया, बहुत ज्यादा। धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर। थैंक यू भैया। भैया मेरा नाम है ललित आनंद, TSN दिल्ली, 9811-05300 मेरा मोबाइल नंबर है। और मोटी डंडी के रेट नहीं बताए जी? भैया मोटी डंडी जरा खास बढ़िया नहीं थी, फिर भी 105 दाने बिके हैं, अंडर साइज थे भैया, 120-105, 1100-1200-1300 की रेंज में भैया डब्बा जी। हाँ जी। और वजन कितना है जिसमें? वजन 12 किलो होगा भैया। अच्छा जी, अच्छा। और जो बढ़िया फाइन क्वालिटी आए? अब फाइन क्वालिटी आएंगी तो पता लगेगा भैया, ज्यादा वजन वाले माल आएंगे तो भैया 1500 पार कर जाएंगे, बिकनी चाहिए भैया, पर साइज नहीं है ना मोटा, बारिशें नहीं थी, सूखे पड़े हुए भैया। अच्छा जी। अब किसी के पास साइज निकल जाए तो मजा आ जाए भैया। चलिए धन्यवाद भाई। ठीक, थैंक यू भैया। दोस्तों ये 13 नंबर सेड है, 13 नंबर सेड एक ऐसी चीज है, यहाँ आपको देसी का विदेशी का सारी चीजें मिल जाएगी, हर सामान मिलेगा, हर सामान, वो आपके ऊपर है ढूंढ के घूम फिर के लेना, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो बिकता है, पर यहाँ दिखाने की और बेचने की नहीं वही है जी, क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी है
कि ये सारी गाड़ियां जैसे भाई साहब ने बताया कि आड़ू की माड़ू की ये रुकी पड़ी जी, ये बहुत बड़ा सेट है जी 13 नंबर। यहाँ रिटेल में भी मिलेगा, रिटेल का मतलब एक डब्बा भी मिलेगा और पूरी गाड़ी भी मिलेगी यहाँ पर, घूम फिर के जैसे मर्जी ले सकते हैं जी। वो आ जी, लो जी महाराष्ट्र वाले भी बैठे जी आज तो। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यही बस बेच रहे हैं आलू बुखारा, खुरमानी, चेरी। आपके पास भी आता है सारा सामान? हाँ सारा आता है, स्टोन फ्रूट आता है सारा, स्टोन फ्रूट हिमाचल से। अच्छा जी, अर्ली वैरायटी होती है, सारा स्टोन फ्रूट होता है, सेब से पहले यही आता सब कुछ। मैं तो आज देखा जी आपको, आप आते थे दूर से चल जाते थे यहाँ तो। अंशुमन भाई साहब क्या कर रहे हैं आज का जी? अंशुमन भाई साहब गए हुए पहाड़ों में। अच्छा जी, हाँ जी, ये क्या चीज है जी? ये भाई साहब मैरीफोजा, मैरीफोजा हरा अंदर से लाल। अच्छा जी, हाँ जी, इसके क्या बाजार चल रहे जी? भाव जी बिक रहा है 70 रुपए से लेकर 110 रुपए पे नेट। 70 से 110 रुपए। और ये छोटी बब्बू गोशा, छोटी मोटी डंडी, छोटी साइज की, ये अगर अच्छा साइज है तो बिक रहा है 70 रुपए से 100 रुपए पे नेट। अच्छा, अगर मीडियम साइज है तो 40 रुपए से 60 रुपए। और ये जी, ये भाजी ये वैरायटी कहते हैं निट्रिन। हाँ जी, निट्रिन वैरायटी है, ये बिक रही है भाई साहब 40 रुपए से लेकर 80 रुपए पे नेट। 40 से 80 रुपए पे नेट। हाँ जी, और ये? ये सब आगे भाजी आलू बुखारा की वैरायटी, ब्लैक एम्बर। अच्छा जी, ये ब्लैक एम्बर है, इनके क्या बाजार जी? ये भाजी अगर मोटा काला अगर बढ़िया माल है तो बिक रहे हैं 70 रुपए से लेकर 110 रुपए पे नेट। अच्छा जी, अगर छोटा मीडियम साइज है तो 50 रुपए से 70 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी। और इसके अलावा क्या चेरी आ रही है? चेरी आई थी भाई साहब आज, 2-3 ही लौटते बस, अब खत्म है, आखिरी 1-2 दिन की रह गई है। अच्छा, चेरी बिकी यार 250 रुपए 200 रुपए जैसा माल है। अच्छा, 1 किलो का। और इसके अलावा चालू हो गए भाई साहब, अब मोटी डंडी चालू हो गई है, 2 तरह के डब्बों में मोटी डंडी आने लग गई है। भैया एक बार वो दिखाना, एक बार खोलना हल्का सा, बोला डब्बा खोलना, एक बार खोल के दिखाओ फटाफट। हाँ जी, पियर आना शुरू हो गया मोटी डंडी जी। ओ भाई, खोल के आना चालू हो गया। अच्छा, ये बिक रहा है भाई साहब, मोटी डंडी आने चालू हो गई है। हाँ जी, ये गिफ्ट बैग में, ये इसका पिट्टू है। अच्छा, ये छोटा साइज है, इसका मोटा साइज भी आ रहा है। हाँ जी, ये पिट्टू बिक रहा है भाई साहब 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए का। अच्छा जी, कैसा माल हो? 10 किलो 12 किलो। अच्छा, और इसका अगर मोटा साइज है तो वो बिक रहा है 1000 रुपए से लेकर 1600 रुपए जैसा माल हो। अच्छा जी, अच्छा। इसके बड़े बक्से बिक रहे हैं 2500 से 3000 रुपए मोटी डंडी। टाइड मैन आना चालू हो गया, जो सेब की अली वरायटी कहते हैं जैसे टाइड मैन, हाँ जी, वो भी आना चालू हो गया, वो बिक रहे 700 रुपए से लेकर 1200 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी, सारी आइटम है जी। और 13 नंबर साइड में भी सेब भी आ रहा जी यहाँ पर। हाँ जी, सेब अभी आ रहा अपना, सेब अपना आया हुआ है आज, पहली गाड़ी लगी है भाऊ जी, ये देखो वो सफेद डब्बे। अच्छा, ये नया पुराना? ये अभी सीए का है, सीए का। हाँ जी, अच्छा जी, सीए का बहुत बढ़िया सेब है, वो बिका है हमारा जैसा माल हो 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए की बाजार है, अगर बढ़िया माल है तो। अच्छा, 10 किलो कश्मीर कम हो गया। अच्छा, तो 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए 10 किलो। अच्छा, अगर बिल्कुल वीआईपी माल है तो। अच्छा, उसका सेकंड थोड़ा लेस कलर बिक रहा है 500 रुपए से लेकर 800 रुपए। अच्छा जी, हाँ जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस जी अपनी महाराष्ट्र फ्रूट कंपनी MFC C29 अंशुमन धवन जी, 98-101-62-923। बहुत बहुत शुक्रिया, जय महाराष्ट्र। आपका नंबर क्या जी? भाजी मेरा नाम गीतांश खरबंदा, 8860601539। बहुत थैंक यू सो मच। बोलो। चलिए दोस्तों, जानते हैं जो अपना 15 नंबर सेट है, 15 नंबर सेट में जहां पर बिकता है दोस्तों आलू वाले सेट में, अभी यहां पर बिक रहा है आलू बुखारा, चेरी, सेब, जो कुल्लू वाले आते हैं भाई साहब के पास। चलिए जानते हैं कहां कहां के क्या माल आ रहे, क्या रेट चल रहे, कैसी बिक्री चल रही। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, क्या क्या माल आ रहा है अभी इस साइड में? मेरे पास मोस्टली आपको प्लम नजर आएगा जाना साहब। अच्छा जी, चेरी प्लम है, चेरी मेरे पास एक चला रही है, लाहौर स्पीति से आया है। अच्छा, वैसे चेरी का टाइम अभी नहीं है कुल्लू से, लेकिन अच्छा, ये जो माल है काफी हाइट का माल है, थोड़ा रेट लाहौर स्पीति से। लाहौर स्पीति से। अच्छा जी, अच्छा, ये खोलना चेरी तो प्लम के रेट बता दो जी। प्लम मेरे पास 50 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो, कोई मर्जी पैकिंग हो। ये तो बड़ा डिफरेंस है जी, रेट बिक रहे हैं 700 से लेकर 1200-1300-1400। और वजन कितना निकलेगा जी? 15 किलो। जो बढ़िया टॉप क्लास प्लम है जी, उसका क्या रेट है जी? आज 1400 रुपए का बिका है लार्ज। अच्छा जी, 1400 रुपए का। नहीं नहीं, किलो में जाने जी? किलो में 100 रुपए किलो। कौन सा है इसमें? वो सुबह बिक गए हैं बढ़िया बढ़िया। ये ज्यादा से ज्यादा किस रेंज की है जी? ये 60-70-80 रुपए वाले 50 रुपए वाले माल है। अच्छा जी, जैसा ये माल है हरे वाला, ये माल बाहर जाता है जी? ये लोडिंग होगी, ये बिकेगा 300-310-320 ये डब्बा जी। हाँ जी। और वजन कितना है जी इसमें? 4.5 किलो। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी। बाकी ये चेरी खुली है 50 रुपए से लेकर, और बढ़िया माल 100 रुपए किलो तक का प्लम है जी। प्लम है, ठीक है जी। और अपनी सेब की गाड़ी कब आएगी? कल या कल होगी गाड़ी। अभी कितना माल है स्टोर में?
अभी है कम से कम 48 गाड़ी। 48 गाड़ी, सुधार आया कोई? एक महीना लगेगा पूरा खत्म होने में। अभी सुधार कोई थोड़ा सुधार पहले से है, 200 रुपए का। ये सेब की पेटी में सुधार है, डब्बे में। चलो जी, आराम मिला ये कुछ थोड़ा बहुत। पर अभी भी जुलाई का भी न खेजेगा? हाँ, जुलाई में जब टाइटमेन आ जाएगा तो ताजा माल पुराना माल साथ में बिकेगा। यानी एक बार उसको कंधा दे के जाएगा वो। ठीक है जी। ये चेरी है लाहौल स्पीति की। हाँ जी, हाँ जी। इसमें डब्बी के अंदर 700 ग्राम वजन है। डब्बी के अंदर 700 ग्राम वजन। हाँ, अच्छा जी, हाँ जी। अभी ये आज पहले दिन आई है। अच्छा, मेरा अंदाजा ये बिकेगी 100-110-120 रुपए। 100-110-120 रुपए। और जो अपना शिमला वाली आ रही है, कुल्लू की भी आती है? वाली थोड़ी ब्लैक पेन पे आती है, वो महंगी बिकती है। शिमला वाली बिक रही है 250 से लेके 500 रुपए तक। अच्छा जी, पैनेट जी, दो पैनेट का जी। और जो कुल्लू वाली, भाई साहब जी, कुल्लू वाली डब्बे में भी आती है, इसमें भी आती है, पैनेट बिकती है। ये ऐसे इस तरह से आती है, 7 ऊपर और 7 नीचे। अच्छा जी, ये अंदाजा मेरा यही है, 100 के आसपास पकड़ के चलो। अच्छा जी, बाकी अगर इसे थोड़ा मोटा साइज रहेगा तो ऊपर बिक जाएगा। अच्छा जी, ये साइज थोड़ा छोटा है। ये सारा पलम अपने पास ही है जी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। दुकान का एड्रेस मोबाइल? मैं गुलशन रायन सन से बोल रहा हूँ। दुकान नंबर C618, फोन नंबर 9999873875। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में आज के ये जो अपना 16 नंबर साइड है, यहाँ पर बेलगिरी आती है और अमरूद आता है। इस साइड में बेलगिरी, अमरूद, आज के कैसे कैसे बाजार चल रहे, क्या रेट है जी, कहाँ कहाँ के माल है? यहाँ पर हारून भाई साहब बैठे जी। हाँ जी, कैसे हो जी? नमस्कार। बहुत बेलगिरी बेच रहे जी? हाँ जी, बेलगिरी बेच। आप बाजार कैसे चले जी? बाजार तो जी देखो गिरे हुए ही है। जबकि 1200 बढ़िया बेल 14-15 की बिक रही है। बारस की और बेल की दुश्मनी है? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। तो ऐसे ऐसे कट्टों के बाजार जी, ये लेके 200 से 500 तक है। 200 से 500। और जो बढ़िया वाले जी? बढ़िया वाला जो ये कट्टा दिख रहा है, ये 1000 से लेकर 1200-1250 रुपए मोटे का। अच्छा जी, अच्छा जी। बिक्री कमी है जी? अभी बिक्री तो कमी है, क्योंकि लोग बाग दुकानें बंद कर रहे हैं। अच्छा जी, और जो बीच में ये महंगाई आई थी उसकी वजह से वैसे दुकानें बंद कर दी लोगों ने। अच्छा जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम, मोबाइल नंबर है जी? मोबाइल नंबर है 97-58-47-39-41। और आम नहीं आ रहा जी अपना? अभी आम वहाँ आ रहा है 10 नंबर में। अच्छा, जहाँ सोनू बेच रहे? हाँ, बेच रहे। ठीक है, दोनों बैठे हुए वहीं जो आम बेच रही। चलिए दोस्तों, जानते हैं इधर भी आज का अमरूद का क्या बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। राम राम जी। भाई साहब जी, आप नहीं दिखा जामुन खिलाने के? देखे जामुन, एक हफ्ते के बाद जामुन स्टार्ट, एक हफ्ते में चालू हो जाएगी। हाँ जी, राजा भाई साहब जी, आम जी क्या पोजीशन चल रही जी? कितनी गाड़ी आ रही ना इसकी, अमरूद की? अमरूद की बहुत जी, आज 1-2-3 गाड़ी होंगी, मतलब की मान के चलो 3 पूरी नहीं होंगी, मतलब ट्रेन का और एक गाड़ी एमपी की थी, ट्रेन का माल है और कुछ महाराष्ट्र का माल है। जैसे बारिश बूरसे हुई, अब कुछ सुधार हुआ है इसका थोड़ा? हाँ जी, सुधार है। अच्छा जी, माल डामल थोड़े सही पहुंच रहे हैं अब। अच्छा, पहले गर्मी धागी हो रहे थे, अब कम हो रहे हैं। अपने पास आया जी ये सारा माल? ये वो जी इसके पास है, ये सुरेंद्र के पास, अपना तो बिक गया है। अच्छा, अपना सारा ये रहा गाड़ी के पीछे। अच्छा जी, आज के अमरूद के रेट बता दो जी सारे। बहुत जी, अमरूद 40 रुपए से लेके 70 रुपए तक बिका है। 40 से 70 रुपए किलो जी? हाँ जी। रेड डायमंड तो नहीं आ रहा होगा? रेड डायमंड नहीं आ रहा जी, सिर्फ VNR ही है जी। VNR है जी, VNR पिंक भी आया आज। अच्छा जी, आप ये पिंक 50 रुपए? पिंक 50 रुपए। हाँ जी, बिक्री खुलने लगी अब अमरूद की? कुछ अमरूद की धीरे धीरे बिक्री खुलेगी भाजी, मौसम जैसे सुधार आएगा तो बिक्री खुलेगी। अच्छा जी, अच्छा। बाकी बेलगिरी का तो? बेलगिरी भाजी काम हो लिया जी? काम हो लिया नहीं, अच्छा माल, अच्छे रेट बिका आज भी। अच्छा, आज 2000 रुपए तक बिकी है भाजी, सामने देख रहे हो 35-40 किलो की बोरी, ये देख रहे हो आप 2000 रुपए बोरी अब भी? हाँ जी भाजी, 40 किलो भरती थी भाजी इसके। अच्छा जी, अच्छा। ये बिका है 700 रुपए का? अच्छा जी, वो बिका है 150 रुपए का। और जो डब्बों में आ रहा तोल वाला? डब्बो वाला भाई 700 रुपए का बेचा है। अच्छा जी, वजन कितना उसमें? वजन मान के चलो 25 किलो। अच्छा जी, और अपनी जामन कब तक स्टार्ट करेंगे? जामन भाई एक हफ्ता, एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ते बाद जामन चालू। बारिश होने लगा तो एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट। हाँ, 10 तारीख को तो चालू होगी होगी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? मेरा नाम है राजा, MST बजरंगी फूड, मेरा नंबर 9213628942। बहुत बहुत शुक्रिया, ओके। ये दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का नार का भी क्या बाजार चला, आज के क्या बाजार चले। हाथों भाव जी पूरे गर्म हो रहे जी, कि माल नहीं ले रहे जी, और इतना शानदार माल भाव जी, फिर भी दोबारा वही जाना पड़ेगा लेने के लिए, नहीं तो बोल लेते। नमस्कार भाव जी, आज गर्म क्यों रहे जी ज्यादा इतने? बढ़िया माल है, कदर करते नहीं है यार। अच्छा। सारे मिल जाते हैं आपस में, अकेला देख के घेर लेते हैं।
ये देखो भाई है ये दोनों हमारा काम है लाला जी घेरने का। हाँ जी हाँ जी। सस्ते लेंगे। आपके गांव में बारिश कैसी हो रही? बारिश हमारे यहाँ हो रही है, कम हो रही है। हमारे मेरठ में हो रही है। मेरठ में हो रही जी? अच्छा जी अच्छा। कहाँ हो रही है? मेरठ में यार। हो रही है। इतना बढ़िया मौसम आ गया यार। 1100 है मास्टर, 10 किलो है बेटे, 10.5 किलो कांटे पे, 9.5 किलो माल है इसमें। पूरी मंडी में ऐसे अनार निकाल दो, फ्री दे दूंगा मास्टर। तुम भी आ जाओगे, मैं दिखा दूंगा फोन पे आज आज की वीडियो में। कर जाके सहज मिला लेना मुल्ला जी, बुढ़ापे में देख लो। साड़ी होगी ये कम है? हाँ कम ही है, देख लो। इनको देख के इनका सही बता देते हम। मास्टर क्या हो गया यार, कमाल कर दिया, मजाक कर रही हो क्या? आ गया रीच, इसका छोटा दिया है बहुत, इसमें लिख दे यार छोटा बिक तो गया, इसी का लिया तो है यार। आ रहा छोटा, आ रहा है अभी, आ रहा आ रहा। 1100 है मास्टर। क्या यार मजाक कर रही हो क्या यार? वही जाना पड़ेगा लेने के लिए यार, मेरे को ला दो यार, मैं ले लूँगा यार। फूकी मत मारो यार, माल की क्वालिटी देखो, वजन देखो। मैं जो 10.5 किलो काटे थे यार, 950 भाई, कोई बात नहीं। दोबारा उल्टी बोली चलाई, 950 रोहित सचिन 10.5 किलो और करेगी। इनके पिताजी हमारे बचपन के दोस्त हैं, काफी माल आता है जी। पिताजी आते थे, अब ये खुद आ रहे हैं। ये भी बढ़िया माल खरीदते हैं जी। हाँ बढ़िया, आज भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया माल की वैल्यू नहीं जी, कोई बढ़िया माल लिया है जी, क्या चक्कर है? तो क्या रहो, कदम नहीं कर रहे यार। अभी बिक जाएगा ना, सारे तैयार हो जाएंगे, बिकने की देर है ना, अंदर से सब लेने को तैयार है। 950 भाई। हाँ भाई अरे 950 18 था, 50 जाए ले दो, मैं भी लूंगा, मिलेगी तब ना। चार आदमी पहले बैठ गया, ऐसा नहीं करो यार मास्टर, सूखी नहीं मारो यार। क्या हो गया यार? 950 बांट दे यार, उठावे। आज गाड़ियां कितनी हो रही भाऊ जी? गाड़ी ला रहा था ज्यादा नहीं, 15-20 डब्बे के लिए तैयार, 17-18 गाड़ी होगी। बिक्री बढ़ी जी पहले से कुछ? राणा साहब माल कम है, हमने भी लोडिंग कम करा दी, पिछला हफ्ता बहुत नुकसान हुआ सबको। एक तो सोम मंगलवार को जाम लग गया, शुक्रवार को बारिश होगी, जो बारिश ने काम खराब कर दिया बीच में। अच्छा जी, अब 2-4 दिन थोड़ा रूटीन में आने में लग जाएंगे, तेजी नहीं है। ये कि माल बिक जाएंगे, माल कम है हमारा भी, अब 2-3 दिन कम मंगाया हमारे यहाँ। अच्छा जी, बेटे जो नुकसान लोडरों को है ना, तुम दे दो, अपना ले लो मेरे से, बोलो हमारा नुकसान तुम दे दो, बोलो आकर। कमाल कर दी यार। कहाँ से जी? पटियाले से। पटियाला पंजाब से? पटियाले से आए जी। कितनी दूर से? पंजाब से। पटियाला जाता है हमारा माल। अच्छा जी, आलू लेके आए आप? आलू की गाड़ी आ रही है। अच्छा, और आलू वाला खा रहा जी, कह रहे स्टोरों में बहुत तेज है, सारी जगह तेज है जी। तू तो है नहीं, बस वही रेट चल रहा है जो सा है, 4 महीने से 3 महीने से। हाँ यही 1100-1100 का रेट रह रहा है। मेरे को गाड़ियाँ देवा का, तू यहाँ झूठ रिपोर्ट बतावा जी, यहाँ बंदा बिक रहा है दिल्ली पे, फिर भी देखो गाड़ी आ गई, क्या करे जी, बस बेचना तो पड़ेगा। अनार नहीं मिलेंगे बेटे ऐसे। मास्टर कितने ग्राम का दाना है? 300 ग्राम के लगभग है, ऊपर भी हो सकता है, ये ले 400 ग्राम से ऊपर है राणा साहब। ये तो किलो का भी इसका हिसाब किताब बनाना मुश्किल हो जाएगा जी। 350-400 ग्राम के दाने हैं, पर कदम नहीं हो रही, क्या फायदा? जिस भाव वहाँ बिक रहा है, यहाँ बिक रहा है, खर्चा उड़ रहा है यार। आज के रेट बता दो जी, कहाँ से कहाँ तक जी? बढ़िया माल आप खुले राणा साहब, जो सोलापुर वाले आ रहे हैं 300 से लेके 800 तक रेट है। अच्छा जी, ये बढ़िया माल है, बगीचे की कटिंग है। इन ये कहाँ से कहाँ तक जी? अब देखो, अभी तो इसका हो दिया, यही मोटा है,
चलो करो बोल लीजिए एक बार मास्टर बारह सौ है वो से बोले जाओ इसके हजार भाई चलो हजार भाई हजार हो गए बेटे ऐसे कैसे बांट दो अपनी बोली मार ये रखे ना बढ़िया जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर हजार भाई हजार जाए बेटे आज के बाद छोटा ही आ रहा है छोटा से विधायक ले लो थोड़ा ही रह गया बता रहा हूँ बेटा मिलेगा नहीं ना जी दोस्तों बोली में नजारा नहीं जी ग्राहक फट गया जी सारा आम नजारा जी आम सस्ता है अनार को कौन खाएगा जी पंडित जी कदर करो यार माल की कदर नहीं हो रही स्वाद नहीं आ जी बाबूजी बोली में ना जी बाबूजी स्वाद नहीं आ रहा बोली में बिल्कुल भी ग्राहक ही नहीं आ जी ये सस्ता माल लेंगे राणा साहब माल तो बिक गया थोड़ा सा ही रह गया राणा साहब अच्छा जी माल मंगाई कम था इसलिए आम में ज्यादा मेला लग रहा जी और 15 दिन की बात है 10 दिन की राणा साहब आम भी खत्म हो जाएगा अनार में ही आएंगे फिर सारे गाह किधर ही आएगा फिर लीची और आम चल रहा है 10 दिन की बात है लीची तो खत्म और 2-4 दिन का खेल होगा हाँ जी हाँ जी धन्यवाद भाई जी।